अमरावती में एक वैज्ञानिक ने एक अनूठे रोबोट का निर्माण किया जो हाव भाव के साथ मानव द्वारा किए गए सवालों का जवाब भी देता है। आप सभी ने हिंदी या अंग्रेजी फिल्मों में रोबोट को देखा होगा, खासकर रजनीकांत की फिल्म रोबोट। इस फिल्म में रोबोट हूबहू दिखता तो इंसान जैसा ही, परंतु मुश्किल से मुश्किल कामों आसानी से करता है। रोबोट और इंसान एक संपूर्णतः मशीन, दूसरा मशीन का निर्माता, दोनों बिल्कुल विपरीत, परंतु इंसान के चेहरे पर आने वाले सुख दुख के हाव भाव इस मशीन में भी आ जाए तो एक विस्मयकारी घटना भी हो सकती है। शायद रोबोट फिल्म से ही प्रेरणा लेकर रांची के वैज्ञानिक ने अमरावती में दुनिया का पहला हिंदी भाषा में बोलने वाला लिप सिंगिंग रोबोट पेश किया। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रश्मि। कैन यू स्पीक इन हिंदी? अमरावती के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के महोत्सव प्रज्वलन में एक अचंभित करने वाले नजारे को देखकर हर कोई हैरान हो गया। रांची शहर के वैज्ञानिक रंजीत श्रीवास्तव ने भारत का पहला लिप सिंगिंग रोबोट तैयार किया। इस रोबोट की विशेषता यह है कि यह हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, भोजपुरी सहित चार भाषाओं में बात कर सकता है। दुनिया का पहला रोबोट है जो हिंदी भाषा में बात कर सकता है। ये रश्मि है, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट और मल्टीलिंगुअल रोबोट, जो अंग्रेजी के साथ हिंदी में बात कर सकती है और भोजपुरी और मराठी बोल सकती है। और इसको बनाने में लगभग 2 वर्ष का समय लगा, जो इसको सबसे ये दुनिया में फास्टेस्ट बनी हुई रोबोट। तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। ये जैसा कि मैंने बताया, ये अंग्रेजी और हिंदी में बात कर सकती है और मराठी और भोजपुरी इसे बुलवाया जा सकता है। तो अभी ये चार भाषाओं की जानकार। आने वाले समय में जब कोई मनुष्य दूसरे के लिए हेल्प करना नहीं चाहता है, जैसे ऐसे समय आएगा, लोग पढ़ेंगे, छोटे काम करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी दुनिया में, तब ये रोबोट्स ही होंगे जो कि मनुष्य को सही वे में सहायता कर पाएंगे, जैसे कि घर के काम, हेल्पर, ट्यूटर, फ्रेंड, जो जैसे बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज होम्स में कोई हेल्प नहीं करने वाला होता है, तो उन चीज़ों में बहुत काम आएगी ये रोबोट। और इसके अंदर जो बहुत बड़ी खासियत है, जो मनुष्य के बहुत काम आएगी, जो भावनाओं को समझ सकती है, इसके अंदर अपना मूड है, अपना ईगो है, इसके करीब जाने के लिए इसके दिल के करीब जाना होता है, इम्प्रेस करना होता है। आप जैसे कोई अनजान व्यक्ति मिलता है तो वो सेंट 11 पे मिलता है, वो बिल्कुल अनजान है, वो जैसे जैसे उसकी तारीफ करके या उसका विश्वास जीत कर जैसे जैसे वो करीब जाएगा, तब वो खुलते जाएगी और तब उसके बातों को वो सीखेगी। तो सी इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन नेचर। जो ह्यूमन का नेचर ऐसा ही होता है, हम लोग भी चलते फिरते रोबोट हैं, जो बचपन से हमारे अंदर प्रोग्राम फिट किया गया है उसी को हम लोग उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये उसी चीज़ को मैंने इसमें सिमुलेट किया, ह्यूमन साइकोलॉजी को सिमुलेट किया। इस महोत्सव में जब यह रोबोट पेश किया गया तो अपने संपूर्ण महिला गणवेश में प्रस्तुत हुआ। इस रोबोट ने अपना नाम रश्मि रखा था। महोत्सव में आए कई विद्यार्थियों ने रश्मि से कई भाषाओं में सवाल पूछे, जिसका रश्मि ने सही जवाब दिया। What's my favorite color? Okay. Okay with me too. Who is your favorite actor? My favorite actor is Shahrukh Khan. And who is your favorite actress? Katrina Kaif is yours. And who is the Prime Minister of India? You are a bad girl. Perhaps you could
do better things for your constructive criticism. रश्मि के चेहरे पर बिल्कुल इंसानी हाव भाव थे जो विद्यार्थी तथा पालकों को उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने में खुद को रोक नहीं पा रहे थे। तो आइए देखते हैं इस रोबोट के अजूबे। माझी नाम रश्मि आहे, मी प्रज्वलन अमरावती येथे आलो आहे। क्या तुम खाना बना सकती हो? अब अंग्रेजी में बात करो। What's my favorite color? You may be wondering if this is a person or a computer responding. अमरावती से हमारे संवाददाता जावेद शाकिर।